हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी हो रहे हैं सुबह के 10:30। और हम लोग आज कितनी सुबह उठ गए थे पता है? और मेरा 10:30 बजे घर का सारा काम हो चुका है। सारा मतलब सारा काम, झाड़ू पोछा, ब्रेकफास्ट, और पीकू को ब्रेकफास्ट कराना, पीकू का दूध, सब कुछ हो गया। पता है आज हम लोग कितने बजे उठे? सुबह 5:30 बजे। 5:30 बजे उठे और मतलब ठंड लगी क्योंकि इतनी बारिश हो रही थी यहाँ पे और फैन हमारा चल रहा था। और ठंड लगी तो आँख खुल गई, फिर उसके बाद नींद ही नहीं आई। तो मैंने सोचा क्यों ना अपना ब्लॉग अभी से स्टार्ट कर दूँ। तो मॉर्निंग में नहाना, पूजा, सब कुछ हो चुका है तो इतना अच्छा फील हो रहा है कि हाँ फाइनली सारा काम ख़त्म। डेली क्या होता है, इतने बजे से स्टार्ट होता है काम, आज फाइनली सारा काम ख़त्म है। और बस पीकू की क्लास होने वाली है। पीकू क्ले नहीं निकालो, रखो। टीचर ने आज ये सब मंगाया है इनके लिए, तो वो सब लेके बैठी हुई हैं प्रॉपर। टीचर का वेट कर रही हैं अपनी। 10:30 पे इनकी क्लास स्टार्ट होती है, तो 10:30 होने में अभी 2-3 मिनट हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तब तक अपना ब्लॉग स्टार्ट ही कर दूँ। तो ब्रेकफास्ट में आज हमने अजवाइन वाली पूड़ी बनाई थी, तो हम लोगों ने अजवाइन वाली पूड़ी के साथ ही ब्रेकफास्ट किया आज का। और लंच में मैंने चने भिगो के रखे हैं काले वाले, तो हो सकेगा तो मैं छोले चावल बना लूँगी, नहीं तो पूड़ी बची हुई है छोले बना लूँगी। बस ज़्यादा टेंशन नहीं है मुझे लंच की कि लंच में ये बनाना है, क्योंकि मैं बहुत थक जाती हूँ यार सीरियसली। तो मैंने पूड़ी बना ली, अभी पूड़ी बची हुई भी है, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा छोला, और थोड़ी सी मन करेगा तो चटनी बना लेंगे क्या। पीकू अपना क्ले दिखा रहे, दिखा दो, ये दिख रहा है ये। और अपना लैपटॉप ऑन करके लॉगिन वॉगिन करके बैठी हुई है। ब्राउन। अच्छा हाँ, कलर्स बताओ सबको। रुको रुको, दिख नहीं रहा। हाँ बताओ। येलो की येलो बोलो, येलो येलो नहीं बोलवाते। ब्राउन ऑरेंज। हाँ, और पीकू की टी शर्ट के कलर ब्लैक। ब्लैक क्या लिखा हुआ है टी शर्ट पे? क्या हुलाला। तो बस पीकू की टीचर आ रही है, तो टाइम हो चुका है, तो मैं मिलती हूँ पीकू की क्लास करा के। ऑन योर प्लेस, अपनी जगह पे जंप करना है, अपनी जगह पे। हेलो पीकू, क्या कर रहे हो आप आज? मैं पापा के लिए कार्ड बना रही हूँ। अपने पापा के लिए कार्ड बना रहा है बच्चा? क्या है कार्ड में? प्रिंसेस। आप तो ऑलरेडी प्रिंसेस हो अपने पापा की। एक और प्रिंसेस बना रही हो? बनाओ, देखिए पीकू कैसे बनाती है। पीकू ने तो बहुत प्यारा कलर किया है। बाहर का मौसम देखो, एकदम बारिश जैसा है। दोपहर के अभी 2 बज रहे हैं और मौसम देखो ना कैसा हो रखा है। बहुत ठंडी हवा है, मतलब ऐसा टेम्परेचर हो रखा है कि घर में फ़ैन वगैरह सब बंद हैं। इवन विंडो भी बंद कर दे तो भी चलेगा, बट हाँ अच्छी हवा आ रही है तो ठीक लग रहा है। कुछ नहीं दिख रहा। एक फ्रेंड बारिश हो गई। ठीक है।
देखो टर्टल हो रही है ना, देख ठीक है अच्छा ना स्क्वायर से अच्छा लग रहा है। काउंट करो, वेरी गुड पीकू। पीकू को तो ऐड कर, नो आपका नाम पीकू है, पीकू को तो सम करना भी आ गया। अरे सर उठा के नो फिर से काउंट करो अभी पिकू। फोर कैंडीज, हाँ टू बनाना, हाँ तो कितने हो गए काउंट करो। टू थ्री फोर, हाँ फिर आगे फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। नहीं बाबा सिक्स हुआ ना, आप तो टेन बोल रहे हो। फिर से सो फ्रेंड्स तबीयत अभी नहीं सही है, थोड़ा सा कफ भी हो रखा है, बट हाँ अभी स्टिल फीवर नहीं है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव फीलिंग है कि हाँ सब अच्छा होगा। तो काढ़ा बना रही हूँ मैं, और पीकू रानी से कह रही हूँ थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो अपनी मम्मा से, और पीकू परेशान है बट बच्चे हैं कितना ही डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, देखते हैं क्या होता है। आज रात को और देखती हूँ आराम रहेगा तो ठीक है। तो अभी मैंने एक तरफ मैंने रख दिया है काढ़ा बनने को, और चेहरा तो उतरा उतरा दिख ही रहा है आपको, तो मैं ज़्यादा तो नहीं ब्लॉगिंग कर पाऊँगी क्योंकि नोज़िया हो रखी है। तो बस यही थोड़ा बहुत सा शूट कर पाई थी अपने दिन भर का, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा ही शेयर करूँ, बट शेयर कर दूँ तो बस दैट्स इट। अभी हो रहा है रात के 11, और हम लोग काढ़ा पी के सोएंगे। तो अपने ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।